कि देखिए शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, और हमने भी जब पढ़े हैं तो एक ही काम था कि शिक्षा देना। लेकिन अभी अगर वास्तव में देखेंगे तो पिछली सरकारों ने पता नहीं क्या किया कि इतनी सूचनाएं उनसे मांगी जाती है, ऐसी ऐसी सूचना मांगी जाती है कि हमारे वो गुरुजी हैं वो पढ़ाना तो भूल गए और वो उन सूचनाओं को भेजने में ही लगे रहते हैं दिन रात। उनसे एक उदाहरण दूंगा सभापति, मतलब थोड़ा सा एक उदाहरण दूंगा मैं आपको छोटा सा शिक्षा मंत्री जी को कि साहब अभी उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई कि साहब ये टीएलएम में कितना पैसा पिछले 10 वर्ष में आया, कितना खर्च हुआ, इसकी रिपोर्ट दीजिए। अब इसकी रिपोर्ट यहाँ पे समसा का जो कार्यालय है वो आराम उसके पास होता है, हर साल की होती है, वो दे सकता था। विधानसभा में किसी ने जानकारी मांगी वो भी नहीं दे, तो जिले में कार्यालय होता है समसा का, वो दे सकता था, उसके पास आंकड़े होते हैं, लेकिन उसने भी नहीं दिया। उसने ब्लॉक में भेज दिया, ब्लॉक वाला दे सकता, उसने भी भाई ने नहीं दिया, उसने नीचे मास्टर जी को भेज दिया। अब बेचारे गुरुजी उसकी बना रहे कितना खर्च हुआ कितना गया। सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ ये खामियां हैं व्यवस्था की। आपने कहा सुझाव दें तो मैं सुझाव दे रहा हूँ, कोई लफाफाजी नहीं कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये कहा जाए जो जरूरी हो तो ही उससे मांगी जाए। इसके अलावा पेंशन स्कीम है सभापति महोदय, पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन स्कीम में अपन पहले पेंशन स्कीम अलग थी, अब नई पेंशन स्कीम करी, 10% सरकार देती है और 10% कर्मचारी का लेते हैं, रिटायर होता है 40% पैसा उसका शेयर मार्केट में लगा देते हैं, 60 देते हैं, और वो अगर वो मर गया थोड़े दिन में तो सभापति महोदय वो 40 सरकार जब्त कर लेती, हड़प लेती, जिसको लुटेरा हड़प लेता हो। अब पहले आदमी नौकरी में लगता था तो ये कहता था पत्नी को कि तू घबराना नहीं, तेरे को किसी के भरोसे नहीं रहना है, मैंने पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी हासिल की है, मैं मर भी गया तो तुझे पेंशन मिलेगी। बच्चों को कहता था मैं मर भी गया तो तुम्हारी माँ रहेगी, सेवा करना तुम्हारी मदद मिलेगी। लेकिन सभापति महोदय सरकारें होती है वो जनता की सेवा के लिए होती है, कोई कमाने कमाने के लिए थोड़ी ना होती है, इसलिए चिंता करी जाए। धन्यवाद सभापति।